देख रहे ना कि हमेशा ऐसे ही चालाक बनती है। बस यही जो इसका ओवर स्मार्ट एटीट्यूड है ना, इस पे रोक लगाना जरूरी है और ये काम सिर्फ पुलिस कर सकती है। सर हम इसके तमाशे से ना थक चुके हैं, कई महीनों से परेशान कर रखा है, लेकिन तब हमारे पास ना ही कोई सबूत था और ना ही कोई वजूद। देखना है सर, इस लड़की ने सच में अर्शी को मारने की कोशिश की। हम सब थे वहां पर, उसकी शादी हो रही थी सर, लेकिन बेचारी अब हॉस्पिटल में एडमिटेड है। वो एक डांसर है और पूरी तरह से उसके पाँव चल गए। पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है, और ये सब कुछ इस लड़के की वजह से है। और अगर अब हमने इसे माफ कर दिया ना, तो उस सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अर्शी के साथ हम नजरें नहीं मिला पाएंगे। बोलो, ये इल्जाम स्वीकार करती हूँ, उसकी जिम्मेदार आप है। पर वो एक एक्सीडेंट था, देखिए वो उसकी साड़ी में आग लगी है। आप वहां नहीं थे, आपको कैसे पता कि ये झूठ बोल रही है? इन्हें अपना काम करने दो छोटौन, बीच में मत बोलो। छोटौन, तो पुलिस को इंटरप्ट करोगे तो जनक के साथ साथ वो तुम्हें भी जेल में डाल देंगे, इसलिए चुपचाप खड़े रहो, जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। मेरे भी तो कुछ सवाल बोल सकते हैं ना। अरे इन्हें कैसे पता कि जनक झूठ बोल रही है? अच्छा तो आप सिखाएंगे मुझे मेरा काम कैसे करना है? तो ज्यादा नहीं बोल रहे, हम शक के बिना से किसी को भी कस्टडी में ले सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बेकसूर साबित हुई तो इन्हें छोड़ देंगे। और आप बेटी को जलाने की कोशिश की, अर्शी और अनिरुद्ध के रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की है। 100 बार ये घर छोड़ के गई और वापस आई है। मुझे समझ में नहीं आता आप हमेशा इसे सपोर्ट क्यों करती है। हाँ तमीज से बात करिए सृष्टि जी, ये कौन सा तरीका है? दादा इस मैटर में आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप चुप रहिए। और मुझे तभी सिखाने वाले आप कौन है? इन्हें अपना काम करने दीजिए, बीच में मत बोलिए। दादा बातें करना बेकार है। तो मत करो ना, क्यों बीच में बोल रहे हो? और भी बहुत रास्ते हैं मेरे पास। हाँ सर, लेकर जाइए इसे। सृष्टि आंटी बिल्कुल सही कर रही है, जिन्होंने इनकी बेटी को मारने की कोशिश किया है ना, उनको सजा देना चाहिए। और पूरी तरह से हम सृष्टि आंटी को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ एक माँ ही अपनी बेटी का दर्द समझ सकती है सर। लड़की तुमने जो भी किया है ना, उसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सर आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ये लड़की किस हद तक जा सकती है ये हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप इसे इस तरह नहीं लेके जा सकते सर। आप सिखाएंगे हमें हमारा काम कैसे करना है? सॉरी मैं नहीं कहूँ। तुम नहीं बचोगी, अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। ऑफिसर आप जो कर रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक है, ये लड़की किस हद तक जा सकती है ये हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप इसे ऐसे नहीं लेके जा सकते हैं। अब आप सिखाएंगे हमें कि हमारा काम करना कैसे है? हम शक के बिना के, अब आप हमें सिखाएंगे कि हमारा काम करना कैसे है? तो ज्यादा नहीं बोल रहे, हम शक के बिना पे किसी को भी कस्टडी में ले सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये बेकसूर साबित होगी तो छोड़ देंगे। और आपकी इस कदम से जिस लड़की पर मेंटल ट्रॉमा हो, समाज में जो उसकी बेइज्जती होगी, उसका क्या, उसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? प्लीज अपना काम कर लीजिए, आपका सुझाव नहीं मांगा किसी ने। कुसुम ले चलो इसे।